दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। और इस समय आपके लिए खुशखबरी आ चुकी है। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश हो या फिर कोई सा राज्य हो, सबसे पहले जो मतलब भर्ती आती है सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, बिल्कुल सटीक और बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाई जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो बहराइच डिस्ट्रिक्ट का नाम सुना होगा आपने, और जो है ये जिला समाज कल्याण विभाग अधिकारी की तरफ से जो है ये बहराइच डिस्ट्रिक्ट में जो है आपका हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, संस्कृत, व्यायाम शिक्षक और कला के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। सहायक अध्यापक के पदों पर सैलरी आपको 45,000 मिलेगी और पीजीटी में और टीजीटी में आपको जो है सैलरी इसमें जो है आपको 4200 रुपये सैलरी मिलेगी। ये संविदा की भर्ती है, कोई वाली बात नहीं है, घर के घर में नौकरी है तो आप समझ सकते हैं जो कम से कम 4200 रुपये बहुत होते हैं, ठीक है, और 45,000 बहुत होते हैं। तो यहाँ पे जो है समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जो है जय नारायण प्रकाश विद्यालय के अंतर्गत जो है ये मैं आपको बताना चाहूँगा, आश्रम पद्धति जो स्कूल होते हैं, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय जो होते हैं वहाँ पर जो है 22-23 के लिए जो है अपॉइंटमेंट कर दिया गया है ये जो है ये। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं और बताया गया है इसमें, ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर जाके ये वाला जो है फॉर्म आप भर सकते हैं, ठीक है। बहराइच डिस्ट्रिक्ट का है तो बहराइच में जो आप ये देख सकते हैं, ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पर जाके जो है अपना डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। और 18 अक्टूबर इसमें आवेदन की अंतिम तिथि बताई गई है, मेरिट आपकी बनाई जाएगी इसमें। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये बहराइच जनपद के अंतर्गत जो है ये विद्यालय के लिए बोला गया। तो आप जिला समाज कल्याण विभाग अधिकारी बहराइच उत्तर प्रदेश पिन कोड नंबर ये है, यहाँ पर जाके ये वाला फॉर्म आप ये भर सकते हैं और 18 अक्टूबर से पहले पहले ये वाला फॉर्म आपको भरना है और 2023-24 का जो है ये यहाँ पर बताया गया है ये, ठीक है। और जो है ये रहा इसका आवेदन प्रारूप आपको ऐसे भरना है, ये भर के आपको भेज देना डॉक्यूमेंट के साथ। मेरिट लिस्ट में जो आपके लगाई जाएगी यहाँ पे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और स्नातक, इस सारे जो है इस तरीके से आपको भर देना है ये। और इस समय आपके लिए खुशखबरी आ चुकी है, सरकारी जो चौकीदार होते हैं उसके लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ, स्थायी भर्ती है ये। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो है पद का नाम क्या है, पद का नाम चौकीदार है, 226 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है और ये सरकारी है, ये ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत जो चौकीदार होते हैं उसके लिए बताया गया है, सरकारी है ये। इसमें जो है आरक्षित के लिए 90% सीटें हैं, इसके बाद अनुसूचित जाति की जो है 106 और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति की हैं, अगर जा लगा हुआ तो SC वालों के लिए, ठीक है। तो अनुसूचित जनजाति की 106 हैं और अनुसूचित जाति की 7 हैं, पिछड़ा वर्ग के 0, इसके बाद ये हैं, कुल मिला के 226 वैकेंसी यहाँ पर जो है वो घोषित कर दी गई हैं। ये सरकारी जो चौकीदार होता है उसके पदों पर भर्ती का विज्ञापन जो है वो घोषित हो चुका है। तो आपको इसमें जो आवेदन कर देना है, इसमें पुरुषों के लिए दौड़ होगी, आपको पता है जब चौकीदार होता है या चपरासी होता तो दौड़ कराते हैं, साइकिल चलाने का ज्ञान हो ये कराएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर जो है बताया गया इसमें जो है कि चौकीदार के पद पर जो नियुक्ति हेतु जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है आपके पास होनी चाहिए, मतलब 10th क्लास पास तो कम से होना चाहिए 18 साल से, जो नीचे वाले इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे, 18 साल से ऊपर वाले इसमें आवेदन कर देंगे। तो चौकीदार के पदों पर जो भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है ये। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं और बताया गया इसमें जो है कि अभ्यर्थी का जो है साइकिल चलाने का ज्ञान हो और यहाँ पर जो लिखित परीक्षा के आधार पर जो है ये भर्ती हो जाएगी। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये जो, और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया इसमें जो है कि 30 अक्टूबर इसमें आवेदन की अंतिम तिथि है और इसके बाद आपके फॉर्म जमा नहीं होगा, ठीक है। तो 30 अक्टूबर तक जमा कर सकते हैं और ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर जाके यारा फॉर्म आप भर सकते हैं। मैंने बोला कहीं से ही भर्ती निकलेगी, सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से आपको जो है इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और यहाँ पर लिखा हुआ है ये, यदि कार्यालय में किसी और से जमा अगर फॉर्म होगा तो आपको निरस्त कर दिया जाएगा, स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजा जाएगा ये जो है। और जो है इस वाली ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके यारा फॉर्म आपको भर देना, सरकारी यह सरकारी चौकीदार के पदों पर जो भर्ती विज्ञापन निकला है, चाहे आपका उत्तर प्रदेश हुआ या कहीं पर हुआ, नौकरी मिले तो तुरंत एकदम पकड़ लीजिएगा, एकदम से छोड़िएगा नहीं। और इसमें आपको जो आपको फॉर्म डाउनलोड कर देना है और ये रहा चौकीदार पद हेतु आवेदन पत्र, ये रहा इसमें। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं बताया गया इसमें जो हिंदी के बड़े अक्षरों में लिखना है, यह आपको आवेदन कर देना है ये जो है ये। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं बताया गया इसमें जो है यहाँ पे जो है पद का नाम चौकीदार, यहाँ पे आपने दो है दो निशान होंगे, जैसे कट का निशान हो तो वो दिखा सकते हैं और ये भर सकते हैं ये जो है। और यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं यहाँ पे चौकीदार के पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, आवेदन की अंतिम तिथि का नाम है इसमें, सॉरी आवेदन की अंतिम तिथि है 30 अक्टूबर 2023, भर्ती आ चुकी है ये। और जो है दिल्ली सरकार की तरफ से जो TGT PGT का जो विज्ञापन होता है वो जारी कर दिया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से, ये पब्लिक नोटिस है ये। और ये जो भर्ती आई गेस्ट टीचरों की आई है, ठीक है।
और जो है कितने पदों पर कितने कितने वैकेंसी बोलते हैं देख सकते हैं, 116 पद हैं, 19 पद हैं, 12 पद हैं, ये सब यहाँ पर जो बता दें गेस्ट टीचर के पदों पर भर्ती आज यहाँ पर आ चुकी हैं। और जो है यहाँ पर सैलरी बात करेंगे पर डे आपको 1400 रुपये मिलेंगे, हाँ 1403 मिलेंगे, ये सब इसमें पर डे पड़ेंगे आपको। यहाँ पर ये रही इसकी डेट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो है क्या क्या क्वालिफिकेशन है, सारी क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है ये। और जो इसमें बताया गया इसमें स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए इसमें अंदर ये एबिलिटी है, ये क्वालिफिकेशन है। और जो है बताया गया इसमें TGT जो है स्पेशल एजुकेशन के लिए यहाँ पर ये डिग्री आपके पास होना चाहिए, BEd वगैरह होना चाहिए। और जो है इसमें आवेदन आपको कर देना है, ये सब आप ये देख सकते हैं 15 अक्टूबर इसमें आवेदन की अंतिम तिथि है। और यहाँ पर ये वाला फॉर्म आप ये जो है भर दीजिएगा, स्कैन करके डॉक्यूमेंट भेज दीजिएगा, मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और सिलेक्शन आपका इसमें हो जाएगा। और जो एक हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने कमेंट किया हुआ है, यहाँ पर भी देख सकते हैं आपने जो देखा होगा कि अभी जो संविदा चपरासी भर्ती जो निकाली गई थी जो है और हर जिले में निकाली गई थी, ठीक है, आपका जो लखनऊ और आपका लखनऊ मतलब पहला हो चुका, अलीगढ़ हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया और महाराजगंज जिला हो गया, इन सभी पद यहाँ पर जिलों में जो चपरासी भर्ती आई थी इन्होंने कमेंट किया, इन्होंने भरा होगा तो इन्होंने सोचा होगा कि जो मैं अपने जो है डियर सर को बता दूँ, तो इन्होंने बताया गया है कि जो है महाराजगंज जिले का जो चपरासी भर्ती इंटरव्यू जो है 9 अक्टूबर को होगा और अलीगढ़ का 10 अक्टूबर को होगा और लखीमपुर खीरी का जो है 11 अक्टूबर को होगा, मेरा इंटरव्यू है और लखनऊ में होगा। सर जी मेरे पास कॉल आया है सर जी, थैंक यू भर्ती बताने के लिए, आपका भी थैंक यू। और आप ही जो वीडियो देख रहे हैं ना आप हमेशा उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, ऐसा मत कीजिए, देख लीजिए कितने अच्छे अच्छे हैं। और लखीमपुर खीरी में जो मेरिट जो है से ये दे दें, मेरे पास तो कॉल नहीं आया है सर प्लीज़, तो लखीमपुर खीरी से मतलब मेरिट लिस्ट जो है बनाई गई थी वो लिस्ट मैंने ओल्ड वीडियो में दिखा दी है, आप देख लीजिएगा मेरा ओल्ड वीडियो, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देख लीजिए यहाँ पर भी इन्होंने जो है कमेंट किया हुआ, भैया ने जो है प्यून भर्ती जो है जल्द होगी सर, तो मुझे जानकारी मिल गई है सर, आपका थैंक यू, मतलब मैंने भर्ती बताई इसके लिए वो अभिवादन कर रहे हैं और थैंक यू बोल रहे हैं, ठीक है। सर चपरासी भर्ती जो कब तक होगी मिर्ज़ापुर में, बहुत जल्द कराई जाएगी, और एडिट कॉलेज में परमानेंट चपरासी भर्ती कब आएगी, बहुत जल्द कराई जाएगी इसमें जो है, तो जो है इलेक्शन को देखते हुए जो है फैसला लिया गया, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ सर जो 2 साल से जो है लड़का स्कूल में प्राइवेट नौकरी कर रहा है उसको कुछ छूट मिलेगी या नहीं, देखो उसमें क्या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट काउंट हो जाएगा बस, केवल और कुछ नहीं होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट काउंट कराया जाएगा। और यहाँ पर भी देख लें सर जी कुछ बताएं चपरासी भर्ती के बारे में, छूट मिलेगी क्या आपको जो है पहले प्राइवेट कर रहा है करीब 2 साल से, कुछ मिलना चाहिए सर, एक आशा पड़ी थी सालों साल तक। ऐसा होता है जो लड़के चपरासी भर्ती में काम कर रहे हैं उन्हें एक आशा होती है कि हम परमानेंट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, सरकार चाहिए तब होंगे वो, ठीक है। सर मैंने अलीगढ़ में फॉर्म डाला था मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं आया, तो आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए यार, धीरे धीरे आएगा, सब्र सब्र अब रखिएगा, सब्र का फल मीठा होता है। और यदि इसमें जो है ये BSA के अंतर्गत चपरासी भर्ती आ जाएगी बहुत जल्द अगर, और हाँ जो पुरानी क्लर्क भर्ती है उसमें जो अधिकारी जो वार्तालाप, उन्होंने कहा है कि सर अक्टूबर के लास्ट तक आपके लिए खुशखबरी मिल जाएगी, अभी इलेक्शन को देखते हुए इलेक्शन से पहले भर्ती पूरी करानी है। और जो है आप मैं बताऊँ संविदा जो है और सॉरी परमानेंट जो है जो क्लर्क भर्ती है उसका इंटरव्यू और टाइपिंग टेस्ट बहुत जल्द कराया जाएगा और इलेक्शन से पहले पूरी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, ऐसी जानकारी जो अधिकारी के माध्यम से प्राप्त हुई है। अगर आप चैनल पर अगर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल करी प्लस, थैंक यू वेरी मच।